आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। पीएम मोदी ने बहराइच और श्रावस्ती की 9 विधानसभाओं की संयुक्त रैली को संबोधित किया तो सपा पर निशाना साधा, साथ ही गुजरात के गधों पर अखिलेश के कमेंट पर तंज भी कसा। इसी के साथ पीएम ने कहा कि सीएम साहब बेचारे गधे से क्यों घबराते हैं, वे तो अपने मालिक का वफादार होता है, तो वहीं उनको नफरत करना शोभा नहीं देता। इसी के साथ पीएम ने सरकार के कामों का बखान भी किया। जब सरकार बनती है जनता जनार्दन के कुछ सपने होते हैं, राजनीतिक दलों के कुछ वादे होते हैं, कुछ इरादे होते हैं, लेकिन 5 साल के बाद हर किसी को अपने काम का हिसाब देना होता है। शाहजहांपुर में लंबे समय से भैंस का दूध निकालने में इस्तेमाल होने वाले ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन खुलेआम बिक रहा है। इसकी बिक्री पर जहां प्रतिबंध है तो वहीं दुकानों में यह चोरी छुपे खुलेआम बिकता है। ऐसे में ड्रग विभाग के अधिकारियों का अपना ही तर्क है। हमारे द्वारा समय समय पर छापेमारी कार्रवाई करते रहते हैं और ऑक्सीटोसिन पहले तो ये देखना पड़ेगा कि उसका लेबलिंग पर देखना पड़ेगा ह्यूमन यूज है या वेटनरी यूज है। यदि वेटनरी यूज है तो प्रतिबंधित है और ह्यूमन यूज है तो प्रतिबंधित नहीं है। दूसरा देखना है कि वो कहाँ बिक रहा है, मेडिकल स्टोर बिक रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वेटनरी तो नहीं बिकेगा, मेडिकल स्टोर बिकेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक ऐसा कोई संज्ञान में नहीं है, यदि आप कोई ऐसा हमारी कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर के मिर्जापुर में बारातियों से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें 18 लोग सवार थे तो वहीं 4 की हालत नाजुक बताई जाती है। इनको बरेली उपचार के लिए रेफर किया गया है। सीतापुर में दहेज लोभियों ने मनमाफिक दहेज न मिलने के चलते विवाहिता को जिंदा हक के हवाले कर दिया, जिसमें महिला बुरी तरह झुलस गई। वहीं पीड़िता को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। हरदेव के बंदेरुआ गांव में खेत में शौच करने को मना करने से गुस्साए पिता पुत्र ने पीड़ित किशन लाल को जमकर पीटा, जिसमें उसकी मौत हो गई। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है तो वहीं पिता पुत्र फरार बताए जाते हैं। लगभग 20 साल का लड़का है, ये वहाँ शौच क्रिया के लिए गया होगा तो इन लोगों ने रोका तो उसके पिताजी और उसके और एक भाई उन लोगों से भी कहा सुनी हो गई। इन लोगों का कहना ये कि मारपीट हुई है, कोई जहरा चोट नहीं, लेकिन कोई हो सकता अंदर की चोट हो। तो वहाँ पुलिस भी गई थी लेकिन कोई चोट नहीं थी। इन लोगों ने कहा हम थाने पर आ रहे हैं, उसके बाद इनको शायद कोई दर्द हुआ और ये 108 से लेकर यहाँ आए तब तक इनकी मृत्यु हो गई है। अभी कोई थाने पर नहीं पहुँचा है, इसमें कार्रवाई करा के अगर ये लिख के देते हैं तो मुकदमा कायम कराकर कार्रवाई कराएंगे। बुलंदशहर में खेत में अज्ञात युवक का नग्न अवस्था में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है तो वहीं शिनाख्त का प्रयास जारी है। बलरामपुर के उतराल से प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने MIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा और सपा बसपा पर निशाना साधा तो वहीं मुलायम और मोदी को मिला हुआ बताया। बलरामपुर के उतराला में पेट्रोल पंप के पास 2 बाइक सवारों में आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 युवक बुरी तरह घायल हो गए तो वहीं इनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिद्धार्थनगर के बांसी के चितौना में संत निरंकारी मंडल द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भंडारा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह निरंकारी की याद में आयोजित किया गया था। रीवा के तयोथर में बेटी बचाओ लालिमा योजना में महिलाओं को जागरूक किया गया, वहीं SDM ने महिलाओं से खुले में शौच न करने की अपील की। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।